हेलो एवरीवन तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर आज हम जिस थियोरी की बात करेंगे ये है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थेरी इसे थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है इस वीडियो की हमसे डिमांड की गई थी कहा गया था कि ये एब्सोल्यूट कॉस्ट थियरी पे और कंपैरेटिव कॉस्ट थेरी पे वीडियो शेयर करिए तो ये उसी की कंटिन्यूएशन में उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं तो ये पहला वीडियो है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थेरी एब्सोल्यूट एडवांटेज थेरी भी कहा जाता है

होता क्या है कि एवरी कंट्री इज नॉट एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग एवरी कमोडिटी यानी हर देश हर वस्तु बनाने में उतना सक्षम नहीं होता है तो व्हाट हैपेंस वो कोई कमोडिटी चीपली बनाता है कॉस्ट इफेक्टिवली बनाता है और कुछ कमोडिटीज नहीं बना पाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए कि जो चीज हमारे देश में यानी आपकी कंट्री में जो चीज चीपली बन रही है कॉस्ट इफेक्टिवली बन रही है वो हम दूसरी कंट्रीज में इंपोर्ट करें और सॉरी दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें और जो वहां चीजें बेहतर बन रही हैं वो हम अपनी कंट्री में मंगवाएं वो हम इम्पोर्ट करवाएं तो ये होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एवरी कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग सम ऑफ़ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर कंट्रीज तो एक ये टू वे प्रोसेस होना चाहिए कि जो आप बेहतर बना रहे हैं वो आप दूसरी कंट्री में भेजें जो दूसरी कंट्री में सस्ता बन रहा है वो आपकी कंट्री में आए अब देखें क्या बताया गया इस थे बारे में एक्सपोर्ट दो सर्विसेज फॉर विच हर कंट्रीज मोर प्रोडक्टिव देन अदर कंट्रीज यानी जो आप इफेक्टिवली बना रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव है जिसमें आप वो कमोडिटी आप एक्सपोर्ट कीजिए एंड

मतलब होता है कि हर एक को हर एक काम नहीं करना है एज वी ऑल नो दैट एवरी वन इज नॉट गुड आउट डूइंग एवरी थिंग तो जो जिस काम में सक्षम है जो जिस काम के लिए योग्य है केपेबल है जिसकी जो कैपेसिटी है उससे वो काम करवाया जाए Free trade among countries can increase a country's wealth. A free trade gehi, free trade enables a country to provide a variety of goods and services to its people by specializing in the production of some of the goods and services and importing others. Free trade means that a country should specialize in producing those commodities in which it has an advantage. And for the remaining or the other commodities, it can get it imported from the other countries.

and another country produces another product at lower cost both can exchange required quantity and can enjoy benefits of absolute advantage so this point completely defines the definition or the theory of absolute advantage that two there are two countries and two of them are specializing in different types of goods and services so there should be an exchange between the two countries the one which is producing some of the commodities करे, और जो ले सकते हैं आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं देखिये दो कंट्रीज है एक बताई गई है यूएस और दूसरी बताई गई है यूके दो चीजें ली है हम लोगों ने वीट लिया है और क्लॉथ लिया है एक एक घंटे में हम ये देख रहे हैं कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे है अगर हम पहले वीट की बात करें तो यूएस में वीट जो है पर आर यानी छ के जी प्रोड्यूस हो रही है और क्लॉथ जो है वो फोर यार्ड्स प्रोड्यूस हो रहा है अब यूके में हम देखें अगर तो वीट क्या हो रही है वीट वन के जी पर आर प्रोड्यूस हो रही है एंड क्लॉथ जो है वो फाइव यार्ड्स पर आर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि दोनों कंट्रीज दोनों चीजों में स्पेशलाइज नहीं है हर कंट्री के पास एक स्पेशलिटी एक में एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो अगर वीट की बात की जाए तो एक घंटे में यूएस में छ के प्रोड्यूस हो रहे हैं एम यूके में एक के तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस में एडवांटेज किस चीज को लेकर है दे हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ में देखिए यूएस में एक घंटे में चार यार्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यूके में पांच तो यूके हैज हाँ एन एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि यूएस को यूके को वीट सप्लाई करना चाहिए क्योंकि उनके पास जो है इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है एंड यूके को क्या करना चाहिए वो स्पेशलाइजेशन है उसकी एडवांटेज है क्लॉथ में तो यूके को यूएस को क्लॉथ प्रोवाइड करवाना चाहिए या वो एक्सचेंज करना चाहिए दिस इज एक्ट एडवांटेज इज टू कंट्रीज है समझाया गया है एक एक्स है कमोडिटी कमोडिटी वाई है और दो कंट्रीज है ए और बी तो एक्स में एडवांटेज है ए को यानी जो ए है वो एक्स कमोडिटीज है वो चीपली बना रहा है और जो वाई कमोडिटी है उसमें एडवांटेज है बी को तो बी जो है वो चीपली बना रहा है तो यहाँ पे दोनों में एक एक्सचेंज होना चाहिए कि जो कमोडिटी जहां बेहतर बन रही है वहां से वो ली जाए आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू आप इसके अजाम्शन देख लें अजाम्शन भी वही है दैट बिटवीन टू कंट्रीज दो कंट्रियों की बात हो रही है तो वही दो ही कंट्रीज को कंसिडर करेंगे दो कमोडिटीज की बात हो रही है तो दो कमोडिटीज ट्रेड की जाएंगी फ्री ट्रेड एग्जिस बिटवीन द कंट्रीज फ्री ट्रेड के बारे में बताया गया था कि जो जिस कंट्री के पास एडवांटेज जिस कमोडिटी के लिए है वो उसमें एडवांटेज होगा तो वो वही कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा और दूसरी कंट्री का होगी जिसके पास दूसरी कमोडिटी में एक एडवांटेज होगा वो दूसरी कंट्री को इम्पोर्ट कर देगा

तो इसका क्या मतलब है कि हर कंट्री एक कमोडिटी बनाने में एक्सपर्ट होता है उसकी स्पेशलाइजेशन होती है तो हमें वही कमोडिटी बनाना चाहिए और जो कमोडिटी जो चीजें हमारी कंट्री में एक्सपेंसिवली बनाई जा रही हैं वो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवा सकते हैं दिस वॉज ऑल अबाउट थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज आई होप यहाँ जितना भी आपने सुना है आपको समझ में आया होगा कोई कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो राइट एंड टू मी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम या क्या समझ में नहीं आया है आई विल हेल्प यू आउट इन द कमिंग वीडियो विल बी डिस्कसिंग विद कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी तब तक आप इसे पढ़िए इसे समझिए कोई डाउट हो तो बताइए टिल देन टेक केयर कीप स्टार्टिंग की